इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आपको बताएंगे आज की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि बच्चों के लिए भारत में सितंबर तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है उन तमाम लोगों के लिए जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इस बात को लेकर लगातार आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ, साइंस की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ देख रहे थे कि कब उनके बच्चों को वैक्सीन मिलेगी। तो अब उस पर आप पूरी डिटेल जानकारी ले लें, आइए आपको सुनाते हैं रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा। सो वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन शुड कम आउट नाउ क्विकली बिकॉज ट्रायल्स आर ऑलरेडी देयर इन इंडिया फॉर द वैक्सीन व्हिच आर अवेलेबल इन इंडिया। भारत बायोटेक ट्रायल इज नाउ इन इट्स सॉर्ट ऑफ फाइनल फेज एंड होपफुली बाय सितंबर वी विल हैव डेटा फॉर दैट। The Zydus Cadila vaccine also has included children and their data is already there and they've already applied for emergency use authorization. Pfizer vaccine has already got the approval for children in the US and therefore that will apply to our country also. Therefore, I think in the coming few weeks or by September, vaccine should be available for children and we should then start in a graded manner vaccinating children also as we've been doing for 18 to 45 years age. And that also will give more protection to children. At the same time, it will also give more confidence to the public that children are safe and therefore they can go to school. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।